हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ऑल अबाउट पेट्स एंड प्लांट्स। आज हम बात करेंगे हेवर्थिया प्लांट के बारे में। ये हेवर्थिया प्लांट है, ये मूलतः साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसे जेब्रा कैक्टस या कुशन एलो भी कहते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ये एक सकलेंट प्लांट है और यूजुअली इंडोर प्लांट की तरह ही इसे ग्रो किया जाता है। इसकी 150 से ज़्यादा वैरायटी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है। ये लगभग 50 साल तक इनकी लाइफ स्पैन होती है। ये 3 से 5 इंच लंबे और चौड़े होते हैं। कुछ वैरायटी में ये 20 इंच तक भी लंबे हो सकते हैं। इनमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं जो समर सीज़न में खिलते हैं। इनकी सॉइल की बात करें तो इन्हें सैंडी वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। इन्हें आप सकलेंट मिक्स में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। इनके सॉइल में फंजीसाइड ज़रूर से यूज़ करना चाहिए ताकि इनमें रूट रोटिंग ना हो। पानी की बात करें तो ये सॉइल जब इसका सूख जाए टॉप लेयर, तभी इसमें पानी देना चाहिए। लेकिन इसे पूरी तरह से कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं। ओवर वाटरिंग से बचें, वाटर लॉगिंग ना होने दें और विंटर में इसे कम ही पानी दें। इसे स्प्रिंग सीज़न यानी फेब्रुअरी एंड और मार्च के बिगनिंग में खाद देना चाहिए। विंटर में इसे कभी भी फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए। आप इसमें NPK 936 पानी में डाइल्यूट करके दे सकते हैं। इसकी रीपॉटिंग भी आप स्प्रिंग सीज़न में ही करें। जिस सीज़न में ये तेज़ी से बढ़ता है वो है समर सीज़न, इसीलिए स्प्रिंग में आप इसकी अगर रिपॉटिंग करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से अपने न्यू पॉट में सेटल हो जाएगा। इसे तेज़ रोशनी बहुत पसंद है, पर बहुत तेज़ गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में इसे ना रखें, नहीं तो इसकी जो लीव्स हैं वो जलकर वाइट, रेड या येलो कलर की हो जाती हैं। अगर आप इसे इनसफिशिएंट सनलाइट देंगे तो इनकी जो हरी पत्तियां हैं वो फीकी पड़ जाती हैं। इन्हें शैलो कंटेनर्स में ही ग्रो करें। ये एक ऐसा प्लांट है जो नॉन टॉक्सिक है और पेट फ्रेंडली है। अब बात करते हैं इनकी प्रोपगेशन की। इनको 3 तरीके से प्रोपगेट किया जा सकता है। सीड से, डिवाइड करके यानी इनके जो पप्स निकलते हैं डिवाइड करके, या फिर इनकी पत्तियों से भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। सबसे इजी और सिंपल तरीका है इनके पब्स निकाल कर आप अलग से दूसरे पॉट में लगा दो। इनकी प्रोपगेशन भी समर सीज़न आने से ठीक पहले यानी स्प्रिंग के ऑनसेट पर या जस्ट बिगिनिंग ऑफ समर सीज़न में आप इन्हें लगाओ। ये जो है ये मेरा मदर प्लांट है और बाकी जो आप देख रहे हो ये इसी के ऑफस्प्रिंग्स हैं। इसमें फ्लावर्स आए थे। अब पतली सी ये जो देख रहे हो स्ट्रॉ जैसा, ये इसका फ्लावर्स यहाँ से आया था ये, और देखिए ये एक छोटा सा प्लांट यहाँ ग्रो हो रहा है जिसे मैं बाद में निकाल कर दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। ये मदर प्लांट है, इसके साइड में आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पप्स निकलते हैं जो कि अब काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं इसे भी ट्रांसफ़र कर कर एक दूसरे पॉट में लगा दूँगी। ये पहला पौधा, सिंगल पौधा मैं लेके आई थी करीबन 3 साल पहले और इससे मुझे इतने सारे मिल चुके हैं और मैंने काफ़ी गिव अवे भी किए हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। ये पौधा आपको नर्सरी में एक्सपेंसिव मिलता है। एक सिंगल पौधा आपको 250 से 300 के बीच में मिलेगा किसी भी एक्सपेंसिव किसी किसी नर्सरी में तो और भी एक्सपेंसिव मिलता है। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल अबाउट पेट्स एंड प्लांट्स। थैंक यू।